हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रिकेट्स में आपका। फ्रेंड्स, इंडियन नेवी MR का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिनों में। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, GK स्पोर्ट्स प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। इससे आपको क्या होगा कि एक से दो प्रश्न तो बनेंगे बनेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, GK का स्पोर्ट्स से मैं करा रहा हूँ, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन से कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में नए हो, इंडियन नेवी की MR की प्रैक्टिस सेट अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही इंडियन नेवी MR की प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। अब अगर और भी क्वेश्चंस पाने हैं आपको एयरफोर्स के, तो आप हमें क्या करिए, प्लेलिस्ट में जाके चेक चेक इन कर लीजिए, वहां से आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड हो जाएंगे। तो ये आग लगाने वाला वीडियो आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। 2200 प्रश्नों का संग्रह है ये, जिसमें आपको PDF आपको फ्री मिल जाएगा, और ये फटाफट याद करने के लिए मैंने बनाया है आपको। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बेसिकली तो मैंने इंडियन नेवी MR के लिए ऊपर बनाया है, लेकिन इसमें आप आसाम पुलिस से बिलोंग कर रहे हो तो इससे आपको उसमें भी फायदा हो जाएगा, बिहार पुलिस से हो तो उसमें भी आपको फायदा हो जाएगा, और चाहे जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, 7 जो है ना, 7 220 क्वेश्चंस का ये संग्रह है। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, पहले पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेम ऑफ द इंडियन स्विमर हु वॉन गोल्ड इन सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, संदीप सिजवाल। तो देखिए फ्रेंड्स, जो करंट आपके हुए हैं क्वेश्चंस, और जो करंट के GK के क्वेश्चंस, बस वही मैं आपको डिस्कस कराऊंगा, और एक्स्ट्रा कोई भी नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विच टीम वॉन द 2018 कबड्डी मास्टर्स दुबई टाइटल। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इंडिया। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें आपको याद करना है, सिर्फ याद करना है। विच इंडियन एथलीट वॉन द गोल्ड मेडल एट द सॉल्ट लेक वर्ल्ड कप इन द USA। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, दीपिका कुमारी। Who has been appointed to as head coach of the women's national cricket team till the ICC World T20? Answer हो जाएगा friends, रमेश पवार। Next question देखते हैं, Ashes is the term associated with which of the sports? तो answer हो जाएगा friends, Ashes। देखिए, इसमें कुछ कुछ questions आपको गलत देखने को मिलेंगे। यहाँ पर Ashes जो होगा, ये cricket से related है। तो अगर questions कुछ कुछ गलत आपको देखने को मिलेंगे, आप हमें comment जरूर करिएगा। हु बिकेम इंडियाज लेटेस्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर, तो ये होगा R वैशाली। विच टूर्नामेंट विंस द इंडियन टीम इन स्पेन, तो कोटिफ आपका एक टूर्नामेंट था जिसमें इंडियन टीम ने टूर्नामेंट जीता था स्पेन में, ठीक है ना। वॉट इज द रैंक ऑफ इंडियन मैंस हॉकी टीम इन द लेटेस्ट FIH रैंकिंग। तो हॉकी जो है, इंडियन फुटबॉल जो फर्स्ट इंडियन हॉकी का जो रैंकिंग था, उसमें आपको 5वां रैंकिंग में है भारत। विच टीम वॉन द WSF वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश टीम चैंपियनशिप 2018, तो इजिप्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। विच टीम हैज वॉन द 2018 कोटिफ कप फुटबॉल टूर्नामेंट, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इंडिया। विच टीम वॉन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2018, तो नेदरलैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एशियन नेशंस कप चेस टूर्नामेंट 2018 वॉज हेल्ड इन ईरान, कहाँ, ईरान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री टॉप्ड इन द फ्री स्टाइल टीम ऑफ 2018 जूनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, तो आंसर है फ्रेंड्स, ईरान। हु वॉन द 2018 वुमेन सिंगल विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट, एंगलिक कार्बर, ठीक है, कार्बर आंसर हो जाएगा। विच कंट्री होस्ट द प्रेस्टिजियस एशिया कप 2018, तो UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। हाउ मेनी न्यू इवेंट्स हैव टू बी एडेड टू द 2022 बीजिंग विंटर गेम्स, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 7। द ऑफिशियल मैस्कट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2018, तो जबी वाका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द फीफा वर्ल्ड रैंकिंग, तो 96। द 2018 वुमेन्स मैंस हॉकी वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाई ओडिशा। हु बिकेम द 53rd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, तो निहाल सरीन। हु इज वॉन तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2018 टाइटल, तो मदुराई पैंथर्स। इंडिया विंस 85th गोल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स एट द एशियन गेम हिस्ट्री, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, रोइंग। विच मेडल हैज PV सिंधु वॉन एट बैडमिंटन इन एशियन गेम्स 2018, आंसर सिल्वर मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सानिया नेहवाल वॉन अ मेडल इन बैडमिंटन इन द 2018 एशियन गेम्स, आंसर ब्रॉन्ज मेडल। Which team won the 5th Women's Asian Championship, Champions Trophy 2018? Answer is South Korea. Who won Formula Junior Racing Series 2018 Championship?
आंसर इज श्री बाला प्रसाद. हाउ मेनी टर्म्स आर एडेड बाय द आईसीसी टू द ओडीआई टीम रैंकिंग? आंसर इज 4. विच कंट्रीज वुमेन क्रिकेट टीम पोस्टेड द हाईएस्ट एवर टोटल इन वन डे इंटरनेशनल, मतलब एक दिन का जो क्रिकेट होता है उसमें, तो कौन सा है वुमेन क्रिकेट टीम पोस्टेड द हाईएस्ट एवर टोटल? सो न्यूजीलैंड. विच टीम वॉन द 2018 इंटरनेशनल कप फुटबॉल टाइटल? आंसर इज इंडिया. सो विच कंट्री ही विल होस्ट द 2018 एसीसी वुमेन्स वर्ल्ड टी20 टूर्नामेंट्स? आंसर इज वेस्ट इंडीज. हु हैज वॉन द वुमेन्स सिंगल्स फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018? आंसर इज सिमोना हालेप. हु वॉन द वुमेन्स एशिया टी20 कप 2018? आंसर इज बांग्लादेश. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन सेकेंड यूएस ओपन गोल्फ टाइटल 2018? सो ब्रुक्स कोएपका. नेम द इंडियन हु बिकम द फर्स्ट बैटल बैटर फ्रॉम द कंट्री टू स्कोर 2000 रन इन टी20 क्रिकेट? तो आंसर इज मिथाली राज. विच टीम वॉन द 2018 मैंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी? आंसर इज ऑस्ट्रेलिया. देखिए अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये कुछ क्वेश्चन हैं. विच इंडियन बैट्समैन वॉज द फर्स्ट टू हिट 44 फोर्स इन अ टेस्ट मैच इनिंग्स? तो आंसर इज लक्ष्मण, बीवीएस लक्ष्मण. सो वॉट वॉज सचिन तेंदुलकर एवरेज वेन ही मेड हिज फर्स्ट 1000 रन इन ओडीआई? तो 35.83 इट्स सचिन एवरेज स्कोर. सरगई बुबका An athlete of international repute belongs to which country? Answer is Ukraine. How long are professional golf tour players allotted per shot? So answer is 45 seconds. How many centuries in test did Sunil Gavaskar bag when he retired? So answer is 34. Former Australian captain Alan Border was sometimes known as Captain Grumpy. So answer is क्या बोलते हैं उनको? Captain Grumpy. What was his other nickname? So answer is AB. ठीक है. Which country was readmitted to the Olympic after her 21-year suspension? Answer is South Africa. Sorry. Ashes is the term associated with which sport? So answer football बता रहा है. देखिए इसको correct answer क्या है. Which game is not included in the Olympic games? So answer is cricket. If you scored cannon, which game would you be playing? So billiards. Which Indian batsman made his ODI debut in the same match in which Kapil Dev did? So Surinder Amarnath. Makers of each which types sponsor Indian Ace Narayan Karthikeyan? So answer is MRF. Amar Singh Sokhi is remembered for his performance in which sports event? So cycling. Who became the first woman in the world to sky to the North Pole? Answer is Benoreft. Next question, who became the first European woman to travel to the forbidden city of Tibet? Answer is Alexandra David Neal. The term LBW is associated with which game? So answer is cricket. Indian first took part in the Olympic Games in which year? Answer is 1920. Which is the only woman to have won 3 Wimbledon titles in a row? Answer is Steffi Graf. Jaspal Rana is a distinguished athlete in which game? So answer is shooting. Who was the first Indian woman who owns the gold medal in Asian Games? So answer is Kamaljeet Sandhu. Track and field star Carl Lewis won how many gold medals at the 1984 Olympic Games? Answer is 4. Which Asian archery team won gold and bronze medal in Asian Archery Grand Prix held on March 12, 2013? Answer is India. PV Sindhu was recently in news associated with which of the following sports? Answer is badminton. Who has become the first Indian to score a triple century in Test? Answer is Virendra Sehwag. Who was the first Indian woman to scale the Mount Everest? The answer is Bachchendri Pal. The first Commonwealth Games were held in the year 1938. Which place? The answer is Hamilton, Canada. The final of the Sultan Azlan Shah Afzal Shah Hockey Tournament 2012 was played between which teams? New Zealand and Argentina. Which cup or trophy is associated with football? So Santosh Trophy. Which Australian player was known as Fruit Fly among the rest of the team? So Merv Hucks. Next question, Parvin Arne and Vinod Kambli played for which province in South Africa? So Poland.
विच कंट्री टॉप्ड द मेडल टेली इन द XXV ओलंपिक हेल्ड एट बार्सिलोना यूनाइटेड टीम ऑफ फॉर्मर USSR. When did the first Commonwealth game take place? So 1930. Shiny Wilson is associated with which game? So athletes, एक एथलीट है. Ben Johnson's the well-known athlete belongs to which country? So Canada. Which country has hosted the Asian Games for maximum number of times? So Thailand. Who is the only cricketer to score two consecutive centuries in the World Cup? So Rahul Dravid. When did India play its first one-day international match? So Headingley. Who was the first Indian to reach the semi-final in Wimbledon Tennis Championship? So Ramanathan Krishnan. Which is the trophy cups associated with the game of hockey? Aga Khan Cup. Against which team did Virendra Sehwag make his one-day international debut? Answer is Pakistan. The first Commonwealth game were held in the year 1930. At which place? So Hamilton मैंने बताया अभी. Since the revival of the modern Olympic games, how many times have the game been cancelled? So thrice. 1960, 1940 or 1944. Limba Ram is known for his outstanding performance in which game? So archery. ठीक है. Next question. How many wickets Kapil Dev had taken in Test match when he retired? So 434. Which batsman started his international cricketing career at the age of 16? So Sachin Tendulkar. Which Indian batsman made three consecutive centuries in his first test matches? MSM Gavaskar. The name of Prakash Padukone is associated with which game? So badminton. In which year did the first modern Olympic Games takes place? 1896. John Deakey, who set up a new world record in 10,000 meter race, belongs to which country? So answer is Kenya. Which is the only golfer to win the Master Tournament 6 times? So Jack Nicklaus. The Asian Games were held in Delhi for the first time in which year? So 1951. The Indian football team made its first appearance at Olympic in 1948. When did Sachin Tendulkar make his first test debut? So 1899. Who was the first back tennis player to win a Wimbledon title? So L.T. Gibson. Olympic Games after 4th century AD restarted under IOC from which year? So answer is 1896. Who was named India's cricketer of the century by Wisden? Answer is Kapil Dev. Ben Johnson's Canadian was disqualified in the 1998 Seoul Olympic in the athletes. Answer is 900 meter. What is the duration of normal one half of the hockey match? Answer is 30 minutes. Who was the first Indian to win an individual medal in Olympics? So answer is K.D. Yadav. Who has scored the slowest century in the test career? Answer is Mudassar Nazar. Who has scored the highest run in a test cricket innings? Answer is Brian Lara. All share an Arjun Award winner is associated with which game? So answer is golf. Who is the highest wicket taker in the world in one day cricket? So answer is Muthaiya Muralidharan. Which team did Sachin Tendulkar play for in the Ranji Trophy when he made his debut in the first class cricket? Answer is Mumbai. The name Kunjarni Devi is associated with which game? Answer is weightlifting. Where the XX7 1996 Summer Olympic Games were held? Answer is Atlanta. Susi Susanti held the Grand Slam title in which game? So answer is badminton. Who is the first Indian to take a hat-trick in an international test? Harbhajan Singh. Who has been named as the white lightning in the cricket? Answer is Alan Donald, South Africa. Who is the first Indian woman to win an Asian Games gold in 400 meter run? Answer is Kamaljit Sandhu. Victoria Azarenka is associated with which game? Answer is tennis. Who is the leading wicket taker in the history of test cricket? Answer is Muthaiya Muralidharan. Which person won 7 gold medals in swimming for the US in 1972 Olympics? Mark Spitz. Regatta is associated with which sports event? Throwing. Which woman has become the highest individual scorer in an innings in test? Answer is Kiran Baloch. Who was the first Indian cricketer to wear a helmet during a match? Mohinder Amarnath. What is the duration of basketball match both before and after the break? 25 minutes. Sushil Kumar is associated with which game? Answer is wrestling. With which sport is
लेरॉय बरेल एसोसिएटेड आंसर इज एथलेटिक्स. द टर्म डे यूज इज कॉमन इन विच टू गेम्स बैडमिंटन एंड टेनिस. बहादुर सिंह इज अ डिस्टिंग्विश्ड एथलीट ऑफ विच गेम्स. आंसर इज एथलीट. हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर ऑन ईच साइड इन अ बास्केटबॉल मैच. आंसर इज फाइव. क्रिस इवन इवेंट्स नेम इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स. आंसर इज टेनिस. जसपाल राणा इज अ डिस्टिंग्विश्ड एथलीट इन विच गेम. शूटिंग. एस विजय लक्ष्मी एंड निशा मोहिता आर एसोसिएटेड विद विच गेम. आंसर इज चेस. हु वॉज द IOC प्रेसिडेंट हु परफॉर्म द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द XXV ओलंपिक गेम्स. जुआन एंटोनियो स्मारांच. विच कंट्री स्टड सेकेंड इन द 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स मेडल टेली. सो इटली. सो आंसर इज US. ध्यानचंद नेशन नेम इज एसोसिएटेड विद विच गेम्स. ऑब्वियसली ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद इज आई थिंक इट इज हॉकी. शुड यू कॉम्प्रोमाइज विद दैट. सो बैडमिंटन शायद ये रॉन्ग है. इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा. विच प्लेस इज नोन एज द मैक्का ऑफ इंडियन फुटबॉल. सो आंसर इज कोलकाता. द फेमस प्लेयर पहले इज एसोसिएटेड विद विच गेम. ऑब्वियसली फुटबॉल. विच ट्रैक एंड फील्ड स्टार बी ओवरकम चाइल्ड हुड पोलियो टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट ऑफ हर टाइम. वर्मा रुडॉल्फ. Queen's Barry rules in the game give to the rules in which game. Boxing. Mishak Grewal is associated with which game. Sports. Squash. The first Indian to cross 7 important seas by swimming. Bula Chaudhary. Which game is Davis Cup associated with? Obviously Davis Cup. Tennis. Who was the first Indian batsman to have achieved 300 run in an innings in test? So Virendra Sehwag. Where did Mahendra Singh Dhoni make it his debut, ODI debut? Obviously Chittagong. Which is the most southerly test match grounds of England? Answer is the Lords. So questions आपको कैसे लगे फ्रेंड्स, जरूर हमें कमेंट करके बताइए. अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपको पाने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. इंडियन नेवी MR की पढ़ाई कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जितने भी नए नोटिफिकेशन इंडियन नेवी के MR के आएँ सबसे पहले आप तक पहुँचा सकूँ. मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में. ऐसे ही धमाकेदार वीडियो लेके आऊँगा साइंस के ऊपर, साइंस के बेसिस पर. तो साइंस का क्वेश्चन सभी हम करेंगे. वो बीच में भी आपको 400-500 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट मिलेंगे आपको. तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.